हम इस समय मौजूद हैं जयसिंहपुरा खादर में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है उफान पर है। यमुना का पानी यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ पे कुछ लोग हैं लोकल जो मोटरसाइकिल पर, आप देखिए कि किस तरह से अपना सामान यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी क्या लेके जा रहे हो आप जो मोटरसाइकिल? भैंसों का खाना दाना और अपना भी खाना दाना। तो भैंसे अभी यहाँ पे है या निकाल दी? निकाल दी, भैंसे निकाल चुके हैं। कितना पानी बढ़ा है अभी तक? बहुत ज्यादा बढ़ा, कम से कम रात से अब तक कम से कम 8 फीट पानी बढ़ गया। यहाँ के लोग जो निकल के जा रहे हैं वो कहाँ पर अपनी शरण ले रहे हैं? यहाँ पे वो बना हुआ है, ये वहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने कुछ बनाया वहाँ ले रहे हैं, बाकी सब अपने अपने। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनोज है। मनोज, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? जी कपड़े और बस पहनने के सामान है। कहाँ लेके जा रहे हो इनको? अपने घर ले जा रहे हैं, भूभाग घर पे। यहाँ पर सरकार ने जगह बनाई है आपके लिए, शिविर बनाए हैं जहाँ पर आप जाकर रुक सकते हो। क्या शिविरों में नहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं, अपनी बुआ घर है पास में ही जनकपुरी में, वहाँ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी, आप दिखाएंगे कैमरामैन से, कहेंगे जरा दिखाएं कि पानी किस तरह यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, ये समय है हम मौजूद हैं जयसिंहपुरा खादर इलाके में और कल यहाँ पर पानी कुछ कम था और यहाँ पर ये मकान के ये लोग हैं जिनके मकान यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह जी बताइए पानी का क्या, कितना, किस स्पीड से बढ़ रहा है? रात को 2:30 बजे से बढ़ा है ये पानी, और अब जाट हम देख लो स्थिति बहुत काफी है। कल किस जगह था पानी अगर बात की जाए तो? उधर आगे था, कल रात को 2:30 बजे आया है। अच्छा, थोड़ा उस सुबह फिर। शासन प्रशासन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्या व्यवस्था करी है? व्यवस्था तो लोग कब आते चेतावनी दे गए, भाई आगे मत जाना और जहाँ खाली करो ये कह गए बस। नहीं, आपने ये पूछा कि यहाँ से हम अपने मकानों को खाली कर कहाँ जाएं? वो बिल्ला मंदिर पे कोई धर्मशाला बताइए, वहाँ बता गए वो लोग। लास्ट शिविर जो लगाए गए? हाँ। क्या लोग आप वहाँ पर गए? हाँ, कुछ लोग गए, इनके कोई साधन नहीं है वो गए, इन पर साधन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो रिहायशी इलाका है उसमें घुस रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि किस तरह से, देखो ये भैंसे हैं सामने, कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए, वो भैंसें जानवर जो यहाँ पर अभी तक फंसे रह गए थे, जो यहाँ पर अभी तक नहीं निकाले, वो उन जानवरों को निकाला जा रहा है, उन जानवरों को निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से भैंसों को पानी में से निकालकर ये लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि अभी शासन की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर अभी मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और यहाँ पर शासन के जो लोग हैं वो भी आए हैं और उन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को आगाह किया है कि अपने घरों को छोड़कर जो राहत शिविर यहाँ पर बनाए हैं जयसिंहपुरा खादर इलाके के जो लोग हैं, इनके रहने के लिए राहत शिविर बिरला मंदिर पर बनाया गया है, बिरला मंदिर पर जो धर्मशाला है वहाँ पर बनाया गया है। हमारे पास और भी कुछ लोग हैं। जी क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर क्या कहना चाहोगे? मैं आप जी कहना चाहता हूँ कि कल मीडियम वाले आए थे 11 बजे तो माँ से लेकर हम आपको ये भी बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप देखिए ये जो भैंसे हैं सामने जानवर, ये देखिए सामने से आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से पानी में से ये लोग इन जानवरों को लेकर आ रहे हैं और अब इनको ये सुरक्षित स्थानों पर यहाँ से ले जाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जयसिंहपुरा खादर में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ के कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? पप्पू पटेल जी साहब, मेरे साथ है। पप्पू भाई क्या हुआ? सब लोग बहुत नुकसान है, वो 25 लाख रुपए को सब खेती गई। क्या नुकसान हुआ? 18 बीघा जमीनी करबीवा में और सब्जी तोरई भिंडी सब्जियों में सब नष्ट हो गई। सरकार की तरफ से कुछ बात आपसे कही है? सरकार का कोई नुमाइंदा आपकी तरफ पास आया हो? सरकारी को कमी ना आया, मैं सरकारी को गलती ना आया। ये वो लोग हैं हमारे साथ जिनका दर्द आप साफ तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का दर्द झलक रहा है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो जानवर हैं इनको लेकर जाया जा रहा है और इनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए सभी लोग यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं क्योंकि लगातार यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इन मवेशियों को ये लोग सुरक्षित स्थान पर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन ने भी यहाँ पर
जो यहाँ के लोग जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और उनको ठहरने के लिए भी यहाँ पर राहत शिविर पास में ही बिरला मंदिर धर्मशाला में बनाया गया है। अब देखना यह हुआ कि यमुना का पानी अभी और आगे किस हद तक बढ़ेगा और किस लेवल को पार करेगा। हम इस समय मौजूद हैं जयसिंहपुरा खादर में और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह के हालात यहां कर दिखाए हैं। यमुना का पानी जो है रौद्र रूप यमुना यहां पर मथुरा में अब धारण करती जा रही है और खतरे के निशान के भी पार इस समय मथुरा में बह रही है और रियासी इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हमारे साथ हैं तहसीलदार सदर हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी बताइए मैम, क्या तैयारियाँ की गई हैं आपकी तरफ से? देखिए, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ ऐसी बहुत विकट स्थिति नहीं है। स्टार्टिंग से ही हम लोग निगरानी सतत बनाए रखे हुए हैं और जैसे ही पानी घुसना शुरू हुआ था यहाँ पे, हमने यहाँ के परिवारों से अपील करके उनको अदर जगह पे शरणालयों पे और शिविरों पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। और हमारे यहाँ भी एक वर्तमान में शिविर संचालित है, वहाँ लगभग 350 लोग हैं, उनके रहने की, खाने की, पीने की सभी व्यवस्थाएँ हैं पूरी तरीके से। और कुछ लोग जो अपने आसपास के परिवारों में, रिश्तेदारों में गए हैं, वो अपना वो वहाँ चले गए हैं और किसी प्रकार की ऐसी कोई बहुत भयानक और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ये थी हमारे साथ तहसीलदार सदर, उनका साफ साफ कहना था कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार यहाँ से लोगों को जिनके घरों में पानी प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला है उन लोगों को यहाँ से राहत शिविरों की तरफ ले जाया जा रहा है और यहाँ पर वहाँ पर उनके खाने पीने सोने का सभी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यह जलस्तर अब खतरे के पार पहुँच चुका है और यहाँ के रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच चुका है और मथुरा शासन की तरफ से यहां पर जो इंतजाम किए गए हैं, जो राहत शिविर खोले हैं, उसी एक राहत शिविर में हम इस समय पहुंचे और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह है बाढ़ चौकी बिरला मंदिर मथुरा तहसील का ये राहत शिविर है। यहां पर ये राहत शिविर लगाया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है अपना ज़रूरी सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह से यहाँ पर, देखिए आप, पूरा राहत कैंप है ये। यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं सब लोग, कुछ जानवरों को भी यहाँ पर लेके आए हैं जो इन्होंने यहाँ पर साइड में बांध रखे हैं। अभी तक यहाँ पर कितने लोग आए हैं और किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, इस तरह इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं समय शासन की तरफ से यहाँ के लेखपाल हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक देव। दीपक जी बताइए, ये राहत शिविर कहाँ पर है और कितने लोग अब तक इसमें आ चुके हैं और कहाँ से प्रभावित हैं ये लोग? ये बिरला मंदिर राहत चौकी है, इसमें इस समय तक 274 लोग आ चुके हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। इनके रहने की बात की जाए, इनके यहाँ पर ठहरने की बात की जाए, इनके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्या व्यवस्था है और क्या इनकी दिनचर्या, जो प्रतिदिन सुबह शाम की दिनचर्या होती है, उसके लिए यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? रात्रि को उनको भोजन दिया गया, सुबह चाय बिस्कुट का जलपान हुआ है, अभी भोजन आने की प्रतीक्षा है, भोजन पैकेट आ रहे हैं, उनको लंच का पैकेट। हमारे साथ यहाँ के जो पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, क्या नाम है आप? मुकेश दीक्षित नाम है मेरा। मुकेश जी बताइए, ये राहत शिविर जो लगाया है इसमें क्या व्यवस्थाएं सही हैं या किसी चीज़ की कुछ कमी आपको नज़र आ रही है? नहीं, सरकारी तरफ से जो व्यवस्था की गई ठीक है। मैं भी कल से यहाँ लगा हुआ हूँ, जनता के बीच भी जा रहा हूँ, वहाँ से अपील कर रहा हूँ कि वहाँ से छोड़िए, अपनी सुरक्षित जगह पहुँचिए। आपके पास अपनी सुरक्षित जगह नहीं है तो सरकार ने जो ये व्यवस्था की है यहाँ पहुँचिए, यहाँ खाने की, पीने की, रहने की सबकी व्यवस्था है। ये तो रही शासन की बात, लेकिन अब हम सच्चाई भी जानेंगे और यहाँ पर राहत शिविर में किस तरह की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर राहत शिविर में रुके हुए लोगों से ही हम बात करेंगे और उनसे यहाँ की स्थिति जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डालचंद है। जी डालचंद जी बताइए, यहाँ पर जो राहत शिविर लगा गया है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वैसे तो अभी कोई दिक्कत वाली दावत नहीं है, अभी हम आध घंटे पहले ही आए यहाँ पे, वैसे बहुत अच्छा है यहाँ पे, चाहे पंखा वंखे सारे चल रहे हैं, बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है और ये कह रहे हैं थोड़ी बहुत देर में खाना भी आने की संभावना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम उनसे भी बात कराएंगे कि वह लोग कहाँ से हैं। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। जी जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? भैया। जी भैया आप आइए एक मिनट हमारे साथ आइए, जरा बताइए ये जो राहत शिविर है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को? मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी देखूंगा क्या परेशानी क्या नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन पंखों की व्यवस्था हो रखी है, सब व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स भी बैठा हुआ है, पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दिनचर्या का इनका सामान जो होता है, ये गैस देखिए, ये आटे के बॉक्सेज हैं, सिलेंडर हैं, ये सब लेके यहाँ पर बैठी हुई है। यहाँ पर एक महिला भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? फातिमा।
फातिमा जी बताइए, ये इतना सामान लेकर आप यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ पर शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था आपको मिल रही है रहने की, सोने की, खाने की, ठहरने की? पूरी मिल रही है, हम सुबह आए। अच्छा। हाँ, रात के 4 बजे से पानी भर गया घर में, दरवाजे पे बहुत पानी हो गया, सुबह आए थे। किस इलाके से आप यहाँ पर पहुँची हैं? बिरला मंदिर। वहाँ की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है इस समय? आपके साथ परिवार के कितने लोग यहाँ पर आए हैं? हमारा पूरा परिवार है, 2 लड़के भी हैं, बहु बेटे भी हैं उनके, पूरी फैमिली है। यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये राहत शिविर बनाया गया है, और यहाँ पर जैसे जैसे यमुना का पानी अपने जो रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जैसे जैसे लोगों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इनके ठहरने का, इनके खाने का और इनके यहाँ के डेली दिनचर्या का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने ही जो शौचालय है वो यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि इनकी दिनचर्या में भी जिस तरह का इस्तेमाल इन सब चीज़ों का होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल पाएँ। और जो रिहायशी इलाके हैं जिनमें पानी जा रहा है, उनमें भी स्टीमर की, उससे भी यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है। स्टीमर से पहले ट्रैक्टरों में लाया जाता है, ट्रैक्टरों से यहाँ पर बाहर तक छोड़ा जाता है जहाँ पर पानी नहीं है, और फिर सरकार अपने जो यहाँ का प्रशासन है अपने साधनों से लोगों को इन राहत शिविरों तक पहुँचा रहा है। अनिल सारस्वत, ABP न्यूज़, मथुरा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।